डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम रेनो काइगर और टाटा पंच का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे तो डियर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के बेसिक इंफॉर्मेशन इंजन प्राइस और डायमेंशन की प्राइस की बात करें तो काइगर फाइव पॉइंट सेवन नाइन लैख से शुरू होकर टेन पॉइंट टू थ्री लैक्स तक मिलती है एक्स रूम प्राइस और टाटा पंच से शुरू होकर नाइन पॉइंट थ्री नाइन लैक्स तक मिलती है एक्स रूम अगर बात करें इनके इंजन की तो दोनों में आपको नेचुरली एक्सप्रेटेड इंजन मिलता है लेकिन काइगर में आपको सिर्फ टर्बो का ऑप्शन मिलता है टाटा पंच में नहीं तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों के नेचुरली एक्सप्रेटेड इंजन के स्पेक्स को काइगर में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें 71 वन का पावर 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसमें आपको फाइव स्पीड मैनुअल और फाइव स्पीड ए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है मैनुअल में 19.17 पॉइंट के एम का जबकि ऑटोमेटिक में आपको 19.03 पॉइंट के एम का माइलेज क्लेम किया जाता है और बात करें वहीं टाटा पंच की तो टाटा पंच के 1.2 लीटर पेट्रोल में आपको 86 सिक्स का पावर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसमें भी आपको फाइव स्पीड मैनुअल और AMT 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है मैनुअल में 18.97 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है जबकि AMT 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 18.82 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है सो so, डीएफएनस ये तो बातें हो गई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जैसा कि मैंने बताया काइगर में आपको टर्बो का भी ऑप्शन मिलता है काइगर के 1.0 लीटर पेट्रोल टर्बो में 99 बीएचपी का पावर 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसके मैनुअल में आपको 20.53 पॉइंट के एम का जबकि सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी 20.53 पॉइंट के एम का ही माइलेज क्लेम किया जाता है तो ये तो बातें हो गई इंजन स्पेक्स की आगे बढ़ें आप बात कर लेते हैं डायमेंशन की तो डायमेंशन की बात करें काइगर में आपको वन हंड्रेड सिक्सटी का लेंथ ज़्यादा मिलता है एट एम एम का विस्थ ज़्यादा मिलता है टेन एम mm की हाइट ज़्यादा मिलती है जबकि व्हील वेस भी आपको फिफ्टी फाइव mm एम ज़्यादा ही मिलता है बूट की बात करें तो काइगर में आपको फोर हंड्रेड फाइव लीटर का पंच में थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स लीटर का फ्यूल टैंक की बात करें तो काइगर में आपको फोर्टी लीटर का और टाटा पंच में थर्टी सेवन लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और दोस्तों अब आगे बढ़े बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स के बारे में पहले बात करेंगे दोस्तों हम कॉमन फीचर्स के बारे में मतलब वो सारे फीचर्स जो आपको काइगर और पंच दोनों में मिलते हैं तो चलिए देख लेते हैं पहले इनके सेफ्टी के कॉमन फीचर्स को सेफ्टी के कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको एयर वैक्स मिलते हैं पंच में आपको दो जबकि काइगर में आपको चार मिलते हैं चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट सीट बेल्ट वार्निंग एबीएस बी इंजन इमोबलाइजर सेंट्रल लॉकिंग कीलेस स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक चाइल्ड सेफ्टी लॉक ये सारे फीचर्स आपको सेफ्टी के कॉमन मिल जाते हैं काइगर और पंच में अगर बात करें कंफर्ट, कन्वीनियंस के कॉमन फीचर्स की तो दोनों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हीटर को ड्राइवर मिरर, ऑन सनवाइजर केविन वूट एक्सेस रिवर्स कैमरा टाटा पंच में विद गाइडलाइंस रियर पार्किंग सेंसर हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन टिलट स्टीयरिंग, ट्वेल्व ऑल्ट पावर आउटलेट एट वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर और सिक्स वे को ड्राइवर सीट फेबरिक अफॉल्सटी लेदर राइव्ड स्टीयरिंग व्हील वेंच फोल्डिंग रियर सीट रियर आर्मरेस्ट विद का फोल्डर्स फुल फोल्डिंग रियर सीट फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स फ्रंट एंड रियर हेड कूल ग्लब बॉक्स फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़ वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर बी एम टन इंडिकेटर्स ऑन ओ आर बी एम रियर डीफॉगर रियर वाइपर वाशर बॉडी कलर डोर हैंडल्स बॉडी कलर डोर हैंडल्स फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स रूफ माउंटेड एंटीना बॉडी कलर बम्पर्स पडल लैम्पस एल ई डी डी आर एल एल ई डी हेडलाइट पंच में आपको प्रोजेक्टर हेलोजन मिलता है एल ई डी टेल लाइट्स फ्रंट केविन लैम्पस हेडलाइट हाइट एडजस्टर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पंच में आपको एनालॉग डिजिटल मिलता है इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप मीटर एवरेज फ्यूल कंजप्शन एवरेज स्पीड डिस्टेंस टू एम्पटी डिजिटल क्लॉक लो फ्यूल लेवल वार्निंग डू हज़ार वार्निंग गियर इंडिकेटर ये सारे फ़ीचर्स आपको कंफर्ट कन्वीनियंस के मिल जाते हैं टाटा पंच और काइगर में अगर बात करें इंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट के कॉमन फीचर्स की तो दोनों में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है काइगर में 20.32 सेंटीमीटर का जबकि पंच में आपको 7 इंच का विद एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले आपको वायरलेस मिलता है काइगर में जबकि पंच में वायर्ड मिलता है यूएस बी ऑक्स आई पॉड ए एम एफ एम रेडियो ब्लूटूथ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं काइगर और टाटा पंच में इंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट के और आगे बढ़ें आप बात कर लेते हैं दोस्तों उन फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा पंच में तो मिलते हैं लेकिन काइगर में नहीं तो वो सारे फीचर्स हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स 90 डिग्री डोर ओपनिंग इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग पंक्चर रिपेयर किट क्रूज कंट्रोल फाइंड माई कार जियो फेंस चेक व्हीकल स्टेटस बाय एप ओवर द एयर अपडेट्स रिमोट कार लॉक अनलॉक बाय ऐप लेदर राइव्ड गियर नॉब बॉडी कलर्ड ओ आर बी एम उसमें ब्लैक मिलता है ऑटोमेटिक आटोमेटिकड लैम्प मी होम हेड लैम्प ग्लब बॉक्स लैम्प जी पी एस नेविगेशन वॉइस कमांड ये सारे फीचर्स आपको टाटा पंच में मिलते हैं लेकिन रेनो काइगर में नहीं और चलिए अब उन फीचर्स को देख लेते हैं जो आपको काइगर में मिलते हैं लेकिन पंच में नहीं तो वो थोड़े बहुत फीचर्स हैं रियर ए सी वेंट्स ड्राइवर आर्म रेस्ट सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट वन टच अप डाउन ड्राइवर विंडो आपको पंच में सिर्फ डाउन ही मिलता है और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस ये सारे फीचर्स आपको काइगर में मिलते हैं लेकिन टाटा पंच में नहीं अगर वारंटी ऑफर की बात करें तो आपको टाटा पंच में भी दो साल की और काइगर में भी लेकिन आपको काइगर में, में, में पचास हजार किलोमीटर की वारंटी ऑफर जबकि टाटा पंच में सेवेंटी फाइव पचहत्तर हजार किलोमीटर की वारंटी ऑफर मिलती है और डियर बीअर्स अगर कलर की बात करें तो काइगर में आपको छः कलर ऑप्शन जबकि टाटा पंच में सात कलर ऑप्शन मिलते हैं काइगर के जो छः कलर ऑप्शन हैं वो हैं रेडियंट रेड कैस्पियन ब्लू मून लाइट सिल्वर प्लान ग्रे आइस कूल वाइट और महोगनी ब्राउन ये छः कलर ऑप्शन आपको काइगर में मिलते हैं अगर टाटा पंच को देखते हैं तो जो सात कलर ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं वो हैं एटॉमिक ऑरेंज विथ ब्लैक रूफ टॉर्नेडो ब्लू विथ वाइट रूफ कैलिस्पो रेड विथ वाइट रूफ ऑर्कस वाइट विथ ब्लैक रूफ डेटोना ग्रे विथ ब्लैक रूफ ट्रॉपिकल मिस्ट विथ ब्लैक रूफ मीटियोर ऑरेंज विथ ब्लैक रूफ ये सात कलर ऑप्शन आपको टाटा पंच में मिल जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स यही रहा टाटा पंच और रेनो काइगर का डिटेल्ड कंपैरिजन इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाएँ जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दिन शुभ हो